नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रेम और आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही प्यारा सा वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के वीडियो में बहुत ही प्यारी सी बातें अपन सीखने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ ही घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहली बात है आज के वीडियो की कि हारमोनियम पे अपनी ये जो हाथ है अपना, उसका वो अपना बिल्कुल मुंह नहीं कर पा रहा है। मान लो तो आपको ये काम करना है, ये पहली काली है सा रे गा मा पा दा नी सा, ठीक है, यानी पूरे कीबोर्ड पे जाना है आना है। कितनी बार? कम से कम 100 बार रोज। जैसे अब बिल्कुल जैसे आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो धीरे धीरे हो रहा, कोई बात नहीं, होने दो। जैसे सा रे गा अंगूठे से मा पा दा नी सा सा। अब करना क्या है, इस रियाज को अपने को 100 बार करना है, 50 बार ऐसे जाना है और 50 बार वापस आना है। अब मान लो पहली बार में धीरे धीरे हो रहा है, तो अब जैसे आप धीरे धीरे करना सीख जाएंगे उसके बाद में क्या करना, अपनी जो स्पीड है बढ़ा लेना है। मतलब स्पीड को बढ़ाते रहना है धीरे धीरे। तो इससे क्या होगा, अपना जो ये हाथ है ना, अब देखिए एक एक जैसे अपना ये हाथ है यार, तो ये बिल्कुल ऐसे मुंह होना चाहिए, ऐसे 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 नहीं, ऐसे नहीं हाथ को ऐसे मतलब घसीटना, नहीं बिल्कुल नहीं ऐसे। ये अपना पूरा जो हाथ है इधर उधर ऐसे चलना चाहिए ये। अब दोस्तों सभी लोग अपने अपने सुर से गा रहे हैं, कोई तीसरी काली से गा रहा है, कोई चौथी काली से, कोई साढ़े तीन से, कोई साढ़े चार से। तो उसमें देखो अपने को अंगुलियां मतलब कैसे चलनी है। अब देखो दोस्तों, जब अपने अंगुली क्या करेगी, जैसे एक अंगुली दूसरी अंगुली की जगह लेने लग जाएगी तो अपने आप अपना जो हाथ चलने लग जाएगा। ये तो ये अब दोस्तों जैसे आप सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि ये तीसरी काली, तो मैंने इसको ये लगाया सा और पा, ठीक है। अब दोस्तों मेरे अंगुलियों को तार सप्तक का जो ये सा है यहां ले जाना है, ये देखो, अब मित्रों ध्यान ये रखना है कि ये मेरी जो ये सेकंड नंबर वाली जो अंगुली है इसकी जगह मैं मेरा अंगूठा, इसकी जगह मैं मेरा अंगूठा लेके आ रहा हूं, देखना आप। ये अंगूठा रख दिया और ये, ठीक है दोस्तों। एक बात तो ये हो गई, एक देखो, अब देखो ये दूसरी अंगुली की जगह जस्ट ये पहली वाली अंगुली ले लेगी। मतलब अगर तार सप्तक के साथ तक अपने को जाना तो अपना अंगूठा ये काम आएगा यहां से, ये ठीक है। जैसे ये दो उंगलियां ये थी और अंगूठे को, अंगूठे अंगूठे को यहां रखा और ये, अब दोस्तों जैसे अपन गा रहे मान लो साढ़े तीन से ये, तो यही दो उंगलियां मैंने पकड़ ली, अंगूठा और ये। अगर अपन साढ़े तीन से बजा रहे तो ये अंगूठा और दूसरे नंबर की अंगुली। अब मान लो वापिस तार सप्तक के सामने जाना, तो
अब ऐसे ही देखो, 4:30 पे पहली और दूसरी उंगली से मैंने लगाया इसको। क्या हो रहा है, दूसरी उंगली की जगह पहली उंगली आ रही, देखो। यानी दूसरी जैसी मैं मेरी उंगली हटा रहा हूं तो पहली उंगली उसकी जगह ले लेती है। अब दोस्तों ये चौथी काली, और यहां से अपने को तार सप्तक यहां सा पे यहां जाना, तो क्या करेंगे, ये देखो। यानी ये जो हाथ का जो मोमेंट है ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे एकदम ये स्ट्रिंग की तरह घूमना चाहिए हाथ, ये देखो। जैसे देखो मेरी अंगुलियां यहां आई है, जब अपनी एक अंगुली की जगह दूसरी अंगुली या तीसरी अंगुली जगह लेने लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली अपनी जो अंगुलियां हैं वो हारमोनियम पे चलने लग जाएगी। चलो 4 से ये बात हो गई। अब देखो दोस्तों 4:30 क्या किया मैंने, अंगूठा और ये दो नंबर की अंगुली, ये वाली अंगुली, क्या लगा रखा है मैंने, सा पा सा 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 पा, ये दो। अब दोस्तों 4:30 से अपने को डायरेक्ट जो तार सप्तक का सा यहां पे जाना है, ये देखो। यानी मेरी दो नंबर की जो अंगुली है उसकी जगह मेरा अंगूठा आ रहा है, ये देखो। अब देखो 4:30 से अपने को ये सुर लगाने हैं, तो अंगूठे से दबाए रखना ये। पांचवे काले से अंगूठा से पा और ये पहली अंगुली। अब मैंने पांचवे काले को सा माना है, तो दोस्तों इस तरीके से अपना जो ये हाथ का जो मोमेंट है वो अपने को करना है। जैसे ये देखो, ये हाथ ऐसे कैसे घूमना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे हाथ को मतलब घसीटना नहीं, बिल्कुल जो हाथ का जो मोमेंट है वो अंगूठे और ऐसे ऐसे होना चाहिए ये।
जैसे ये देखो, तो दोस्तों ये सारे बहुत सारे रियाज करने हैं आपको, और एक जो मेन जो रियाज है वो यही है कि पहली काली को सा माना, दूसरी पे रे, और गा जो अंगूठे से, फिर मा पा सा, ये तीनों उंगलियां यहाँ, और फिर नी अंगूठे से और सा। ये प्रैक्टिस पूरा यहाँ तक जाना है और वापस आना है, यानी 100 बार 200 बार जितनी बार आप कर सकते हैं। मान लो पहली बार में स्पीड कम है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना है। दोस्तों इस रियाज को करने से क्या होगा, आपकी उंगलियां हारमोनियम पे तेज चलने लगेगी, बिल्कुल आपको, आप खुद देखेंगे अगर 2-4 दिन के अंदर आपको ऐसा फर्क महसूस होने लगेगा, आपका जो हाथ का जो मोमेंट है ये बिल्कुल ऐसे हाथ घूमने लगेगा और ऐसी अपने उंगलियां चलने लगेगी। रोज इस अभ्यास को करना तो अपने आप अपना उंगलियां चलने लगेगी, और जब आपको थोड़े दिन बाद में लगेगा कि आपकी जो एक उंगुली है उस एक उंगुली दूसरी उंगुली की जगह लेने लग जाएगी, जैसे ये दो, अब देखो जैसे मैं इस उंगुली को हटा रहा हूं तो ये मेरी उंगुली यहां आ रही है, ये दो, ये दो, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, धन्यवाद।